हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करूंगी आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। प्लीज़ मेरे यूट्यूब फैमिली, इस वीडियो को आप लोग स्किप कर दें, ना देखें। जैसा कि मैं आप लोग से बताई हूं कि जो वीडियो आप लोग लाइक नहीं रहेगा, उसके स्टार्टिंग में मैं बोल दूंगी कि वीडियो आप लोग के लायक नहीं है। ये कुछ फैमिली मैटर से रिलेटेड वीडियो मेरी है, जो कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ, कोई भी लड़की या कोई भी औरत नहीं चाहती है कि ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पर आकर करे। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया जाता है जब एक औरत या एक लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो फिर ये सब बातें यहाँ पे आके करनी पड़ती है। क्योंकि सोसाइटी के लोग और आसपास के लोग, कुछ लोग नहीं आपके सुनते हैं, और सुनने के बाद भी कुछ उसका सोल्यूशन नहीं निकलता है। सोल्यूशन मुझे जैसा लगता है कि यहाँ के बात, तो क्योंकि यहाँ पे मेरा ये सारा वीडियो सेव रहेगा। इन फ्यूचर कुछ भी कहीं कुछ होता है तो सारा कुछ मेरे पास यहाँ पे प्रूफ रहेगा, मैं क्या बोली थी, कैसे बोली थी और क्यों बोली थी। इसलिए मैं यहाँ पे ये सारे वीडियो आजकल शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग यूट्यूब फैमिली, आप लोग इसको स्किप कर दें। तो हाँ, एक महाभारत जो आप लोग पहले से सुनते आ रहे हैं, महाभारत की स्टोरी, वो भी एक औरत की वजह से शुरू हुई थी। और एक महाभारत जो हमारे घर में चल रहा है, वो भी एक लड़की की वजह से शुरू हो रही है। छोटी सी बात को इतना ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, और इस महाभारत का अंत क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता, और तो बस भगवान जानते होंगे। छठ पूजा में अभी लगभग 2 साल होने को आएगा, नवम्बर में। अभी 2 साल हुआ नहीं है, अभी जुलाई चल रहा है, नवंबर आएगा तो 2 साल छठ पूजा मैं करती थी। उस टाइम एक छोटी सी बात को ले करके लाडली नतनी को कुछ मैं बोल दी थी, और इतना भी कुछ नहीं बोली थी जिस तरह से इस बात को बढ़ाया गया। उसके लिए इतना बवाल मचा हुआ है, रिश्तेदार नातेदार पता नहीं किस किस में, और यहाँ तक कि मेरे बाप को जलील किया गया। मेरे बाप तक तो आके, रिश्तेदार नातेदार तक तो ठीक था, लेकिन मेरे बाप तक ये बात आई है ना, इसका अंजाम तो बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। वो तो मैं जब आऊँगी, या वीडियो में बात नहीं करूँगी, जब आऊँगी तो वो बात होगी और अच्छे से होगी। और पूरे वो जो बेटी की जो ससुराल, 2 बेटी के जो ससुराल वाले हैं ना, सबके घर घर जाकर करूँगी। उसका तो बहुत एक अलग ही स्टोरी होगी। वहाँ तक मुझे पता ही नहीं था ये सब बात। वहाँ तक जाने के बाद कोई ऑप्शन नहीं है, तो जो रिश्तेदार नातेदार से बात किया गया, तो उनमें से कुछ लोग मुझे, मेरे से भी बात होती है, तो बढ़ा इतना का इतना तो हर किसी का आदत होता है रिश्तेदारों का करने का, तो क्या वो लोग कर लिया। मैं तो गई थी शादी में, अभी किसी की कोई औकात नहीं हो कि मेरे सामने, मेरे या मेरे पति के सामने आकर के मेरे मुंह पे बोले, या ये कॉल करके कोई मेरे को सुनाए कि भाई ऐसा क्यों कर रही हो, तुमको मैं बिहार में चढ़ने नहीं दूंगा या दूंगी, ये कर दूंगा वो कर, किसी को उफ तक मुँह से चू तक नहीं निकला, क्या कर लिया। और मारने और ये वो की बातें तो दूर, बहुत दूर की बात है, चू तक नहीं निकला। तो जो बोलने वाले लोग जो है वो बेवकूफ़ है, बोलते रहो, जो करना है वो करते रहो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और ना रिश्तेदार से कोई फ़र्क पड़ने वाला है। रिश्तेदार मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा कि वो आके मेरे पति का या मेरे बच्चों का या मेरा मर्डर कर देगा। इतनी तो आपके रिश्तेदार की औकात नहीं है, क्योंकि वो खुद दूध के धुले नहीं हैं। जितने रिश्तेदार आपके जो चमचे बैठे हैं, वो कौन से दूध के धुले हुए हैं। हाँ, तो आपकी प्यारी लाडली नातनी नातिन की बात पे आते हैं, जिसके लिए इतना बड़ा एक महाभारत, एक दूसरा महाभारत रचा जा रहा है, जिसको कि थोड़ा सा कोई कुछ नहीं बोल सकता, नहीं तो बोलने के बाद एकदम पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड को सर के उठा लिया जा रहा था मिस्टर साहब को। तो मिस्टर साहब से मैं ये कहना चाहूँगी कि दुनिया आपसे डरती होगी, ये नीतू आपसे नहीं डरने वाली है, क्योंकि दुनिया को भूख है ना, आपके चमचों को भूख है प्रॉपर्टी और पैसे की। नीतू तो आपका 22 साल में कुछ नहीं जानती है, ना नीतू का बेटा कुछ जानता है, एक पेंसिल एक पेन बोल दो आप, कुछ जानता है। दर दर की ठोकरें भी जब हम खाए, मेरा बेटा, फर्स्ट बेटा बच्चा जो भी था वो मेरा चला गया, उसकी एक अलग ही स्टोरी है, वो भी स्टोरी एक अलग से बनाऊंगी मैं। सेकेंड बेबी जब मेरा, ये जो अभी फर्स्ट वाला बेबी जो है हुआ, उस टाइम भी आप बहुत कुछ किए, तो उस टाइम भी कुछ हम नहीं जाने आपका, जबकि मेरी, मुझे ज़रूरत थी, तो फिर किस बात का एहसान, प्रॉपर्टी का एहसान। मुझे पता है सारा कुछ आज तक आपका नतनी और बेटी और दामाद के लिए ही रहा है ना, आगे भी सब कुछ आपका उसी उन्हीं लोगों के लिए रहेगा, और बाकी बच्चे जो चमचे हैं ना आगे पीछे जो चाट रहे हैं उनके लिए रहेगा।
तो वो लाडली नातनी के लिए इतना बड़ा युद्ध जो ठाना गया, तो कितनी दूध की धूली हुई है। मैं तो बहुत पता नहीं क्या क्या आपकी नज़रों में जो सारे रिश्तेदार से तो बोल ही रहे हो, मेरे बाप से भी बहुत कुछ बोले हो। वो तो जिस दिन मेरा बाप मुंह खोल दिया, अभी नहीं खोला है, इसलिए मैं सारी बातें इसको डिटेल में नहीं अभी शेयर करूँगी। जिस दिन वो अपने मुँह से बोल दिया, ये तो अभी मुझे आपके रिश्तेदार नातेदारों से जो चमचे आपके साथ गाड़ी में बैठे हुए थे उन लोग से पता चला है, वो भी इधर 2-4-10 दिन पहले, 8-1 हफ्ता पहले पता चला है। मेरा बाप मुंह खोल देगा उस दिन तो बात ये बहुत आगे तक जाने वाली है। एक गांव का एक आपका जो फैमिली मेंबर ही है वो रहने आया था, तो इतनी ही आपकी लाडली मतलब अच्छी थी, मैं तो खराब थी, इसलिए मेरे साथ मैं उसको पता नहीं क्या क्या की इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। तो जो गांव का रहने आया था वो तो लाडला आपका भी था ना, वो लाडला आपका वो भी बहुत अच्छा था आपके नज़रों में, उससे क्यों होता था? हर एक दिन 6 महीना साल भर 2 साल लगता है रहा उसमें, मतलब 1-1.5 साल तो उससे बातचीत ही बंद रहा, रोज कुछ ना कुछ बात को लेकर महाभारत ही होता था उसके साथ। ये 4 रोटी जिसको कोई नहीं पूछता है, जो कि लोग रोड पे चलते कुत्तों को दे देते हैं, खिला देते हैं, वो 4 रोटी 6 रोटी के लिए भी बवाल आपके घर में हुआ कि रहता है तो इतना रोटी खाता है, बनाना पड़ता है, क्यों हुआ? वही तो इतनी अच्छी है तो क्यों हुआ? वहाँ जो चचेरा मामा सब रह रहा है, चचेरा नाना है, जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है, मेरे में तो हक हिस्सा शायद उसको लेना है या मिलेगा, या इस लोभ में जब से बचपन से यहाँ रह रही है तो उसको तो लग रहा है कि सारा कुछ ही मेरा ही है, अक्षत्र राज करने की उसको आदत पड़ चुकी है, तो उससे क्यों करते हैं? उसमें तो कुछ हक हिस्सा नहीं मिलेगा, कानूनी भी नहीं मिल पाएगा, कुछ भी कर ले उससे क्यों होता है रोज महाभारत? एक पर एक नाना, जो चचेरा नाना उसको बात बोला जाता है, चचेरा मामा को एक पर एक बात बोला जाता है, दूध की धूली है ना, क्यों होता है? मैया पिताजी रहे उनके साथ भी क्या क्या बिहेव करती थी वो भी मुझे पता है, दूध की धूली थी तो सबके साथ क्यों होता है? एक मेरे साथ होता तो अब तो जानती ना कि मैं इतनी बुरी हूँ, दूध की धूली है, आपके लिए दूध की धूली होगी। एक छत्रराज उसको करने का आदत पड़ गया है, और एक छत्रराज में उसमें जो थोड़ा भी 1-2 दिन के लिए कोई चला जाता है ना तो उसको वो लगने लगता है कि इसमें यहाँ पे कोई क्यों रहने आ गया है, मैं कैसे एक छत्र राज नहीं करूंगी, मैं अपने तरीके से घर को रखूंगी, जो भी सामान मेरा रखा रहता था सब कूड़े कचड़े में फेंक देती थी, इसलिए ना ये तो सब कुछ मेरा है, इसका सामान यहाँ पे क्यों कैसे रखा हुआ है? तो रखे, राज करे भगवान, उसको भगवान से मैं प्रे करूंगी कि उसी के लायक तुमको भगवान रखे, होल लाइफ तुमको उसी के लायक रहे, और दूध की धूली नहीं है तुम्हारी नतनी, इतना तुम जान लो। दूध की धूली रहती तो इन सब से चचेरा से रोज रोज लड़ती है और क्या 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 कुछ नहीं बोलती है, जैसे जैसे सेंटेंस बोलती है ना, यहाँ पे मैं बोलना नहीं चाहूंगी, दूध की धूली है।